रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूछा बिजली में ली, ग्रामीणों ने कहा नहीं उन्नाव। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को उन्नाव में गुरुवार को एक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। दरअसल सीएम योगी गुरुवार की शाम जिले के सदर तहसील के रुकरना गांव की चौपाल में पहुंचे। सरकारी योजनाओं की हकीकत जानने के लिए चौपाल में मौजूद लोगों से जब सीएम ने पूछा क्या बिजली आ रही है, सीएम के सवाल पर वहां मौजूद ज्यादातर लोगों ने हाथ हिलाकर नहीं में जवाब दिया। इस पर सीएम ने तुरंत अधिशासी अभियंता को तलब कर लिया। रुकरना गांव में गुरुवार को आधे घंटे तक लगी चौपाल दिलचस्प रही। डीएम रवि कुमार एनजी ने सबसे पहले श्री प्रेम रंजन को गांव के बारे में बताने के लिए बुलाया। इस पर सीएम ने कहा गांव के बारे में पूछ लेंगे, आप जिले के बारे में बताइए, योजनाओं में अब तक लोगों को क्या बांटा गया है। जब मुख्यमंत्री ने पेंशन स्कीम के बारे में पूछा तो शिवरानी नाम की महिला ने कहा दो साल में सिर्फ एक बार पेंशन मिली है। वहीं दिव्यांग संतराम ने पेंशन न मिलने की शिकायत की तो सीएम ने डीएम से जवाब तलब किया। जवाब के बाद संतराम से सीएम ने कहा कि आपको पेंशन मिलेगी, आवास योजना में भी पहली किश्त के बाद बाकी किश्तें न मिलने की शिकायत पर अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां घर बन चुके हैं वहां रुपए रिलीज कराएं। विधवा पेंशन और राशन मिलने के सवालों के बीच जब कुछ युवक उठकर खड़े हुए तो मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए उन्हें बैठा दिया। इससे पहले उन्नाव के निराला ऑडिटोरियम में ग्राम स्वराज अभियान के तहत 3 प्रधानों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान अपने भाषण में सीएम ने कहा कि रामराज्य की अवधारणा ग्राम स्वराज के माध्यम से पूरी की जा सकती है। उन्होंने प्रधानों के तहसीलों की तरह गांवों में भी ग्राम समाधान दिवस आयोजित करने को कहा। सीएम ने कहा प्रधान अपने कामों को पारदर्शी बनाएं, सारी योजनाओं और लाभार्थियों की लिस्ट पंचायत भवन में चिपकाएं। स्वराजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र से चलने वाले 100 रुपए में आम आदमी को 10 रुपए मिलते हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के समय में लोगों के खातों में पूरा पैसा पहुंचता है।